हमीरपुर शहर में सड़कों पर सामान को सजाने वाले दुकानदारों पर नगर परिषद हमीरपुर ने कार्यवाही करते हुए 12 दुकानदारों का सामान जब्त किया है। दोपहर के इसमें हुई कार्यवाही के चलते दुकानदारों में हड़कंप मच गया और दुकानदार अपने सामान को समेटते हुए दिखे। कार्यवाही के दौरान नगर परिषद के सफाई कर्मचारी राजेंद्र शर्मा की अगुवाई में कर्मचारियों ने अतिक्रमण को हटवाया और चेताया कि अगर दोबारा दुकानदारों ने ऐसा किया तो सख्ती से निपटा जाएगा। नगर परिषद द्वारा बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी बाजारों में दुकानदार लगातार अतिक्रमण कर सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा सामान लगाने लगे हैं, जिसको देखते हुए नगर परिषद ने बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। हमीरपुर स्थित गांधी चौक से लेकर भोटा चौक तक दुकानदारों और रेडी फड़ी धारकों द्वारा सड़क और नालियों पर रखे सामान को नगर परिषद ने जब्त कर लिया है। नगर परिषद के कर्मचारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि आज 10 से 12 दुकानों का सामान जब्त किया है। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को बार बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन फिर भी दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसको देखते हुए ये कार्रवाई नगर परिषद द्वारा अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि नगर परिषद द्वारा दिन में 2 चक्कर लगाए जा रहे हैं और अगर किसी का भी सामान सड़क या नाली पर रखा हुआ पाया जा रहा है तो तुरंत ही उसको जब्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगे भी ये अभियान ऐसे ही जारी रहेगा। आज करीब 10-12 दुकानों का सामान उठाया गया है, इनको बार बार हस्ताक्षर करवाए हमने एक एक दुकान से और एक एक रेड़ी वाले से 2 बार कि किसी का भी सामान नाली पर पड़ा हुआ हम उसको उठा लेंगे। तो बार बार हर रोज जो है 1-2 चक्कर लगाए जा रहे हैं, फिर भी जो नहीं मानते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। 10 मिनट देखा जाता है, 10 मिनट के बाद फिर से वही स्थिति हो जाती है शहर में। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, पर कुछ जो कुछ ऐसे तत्व हैं वो कर रहे हैं उन पर पूरी नज़र है, हमारी नगर परिषद की पूरी नज़र है और ये अभियान लगातार चला ही रहेगा। फाइन भी डाला।